मां नर्मदा की पंचकोशी पदयात्रा 6 मार्च से शुरू होने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य एक दिन में 5 कोस पैदल चलना है। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए महिला पुरुष बच्चे सभी वर्ग के लोग मां की पदयात्रा करते हैं। यह यात्रा 6 मार्च को आरंभ होने वाली यात्रा में 20 से 25 हज़ार पदयात्री शामिल होने का अनुमान है। यह यात्रा उत्तर तट के प्रसिद्ध सिद्धनाथ घाट से ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा पूजन ध्वज पूजन के बाद पूरब की ओर आरंभ होगी, जिसमें आसपास के सभी जिलों से आने वाले नर्मदा भक्तों के इस यात्रा में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। पदयात्रा का प्रथम पड़ाव बिजला गांव में होगा। हंडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। पंचकोशी का अर्थ होता है 5 कोश की यात्रा। प्रारंभ में यह यात्रा नेमावर से प्रारंभ की जाती है। यहाँ पर ध्वज पूजन किया जाता है और ध्वज पूजन के बाद समस्त भक्त मंडली जो यात्रा के लिए आते हैं वह ध्वज के पीछे अपने कतार के रूप में चलते हैं। पहले पूर्व दिशा की ओर यात्रा बढ़ती है और तुन्नाल और बिजर गांव में जाकर ये अपना रात्रि में विश्राम करते हैं, फिर नौका के द्वारा उस पार उतरते हैं। फिर वहाँ से ये पंचक्रोशी यात्रा आगे बढ़ती है तो ये हंडिया की ओर बढ़ती है। फिर हंडिया में विश्राम करने के बाद फिर वहाँ से प्रातःकाल उचान की ओर आगे बढ़कर उचान से में पूजन पाठ करने के बाद उचान से रात्रि में ये यात्रा नर्मदा में नौका के द्वारा फिर उत्तर तट की ओर आती है।